अमरकुल दोस्तों, हमारा चैनल में खुश आमदीद। आज हम फिर न्यू सोल्यूशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे पास है जे सिक्स प्लस, जे फोर प्लस, दोनों सेम मॉडल होते हैं। और बात करें इसके चार्जिंग आईसी की, अक्सर जल जाती है, तो हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आए हैं। अगर ये आईसी आपकी जल जाती है, इसे उतारने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस कैपेसिटर से आप वायर उठाएँ और इस कैपेसिटर पर लगा दें। अगर ये आईसी आपकी जल गई है, अक्सर अमूमन हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग नहीं कर रहा, तो यही प्रॉब्लम होती है हमारी। ज़ूम करके देख लें आप, यहाँ से सिर्फ एक वायर यहाँ पे उठानी है। हमारा चार्जिंग नहीं सी कर रहा बिल्कुल भी। काफ़ी देर से हम खबर है, तो उन्होंने पॉइंट ट्रेस किए हैं, तो हमें ये फॉल्ट सामने आया है। तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। चलिए हम आपको दिखाते हैं चार्जिंग लगा कर। आपको चार्जिंग लगा के दिखाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। अक्सर लोग उतारते हैं, उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। बसानी आप एक वायर लगाएं दूसरे पास और आप बिल्कुल सोल्यूशन पाएंगे इंशाल्लाह। चलिए हम आपको दिखा देते हैं पहले सबसे लगा के। ये हम एल सी डी फिट कर रहे हैं। ये हम चार्जिंग लगा रहे हैं। काफ़ी अमूमन चार्जिंग जैक पर हम समझते हैं, चार्जिंग जैक भी चेंज किया था लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इसका प्रॉब्लम आ रहा था, ये हमने लगाया। ये देखें आपके सामने चार्जिंग शुरू हो गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं, तो बरए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से पहुँचे। अच्छी लगी तो फिर यार देख लें आप, चार्जिंग शुरू हो गया है।